बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जहां पहले तो बिहार में नीतीश ने जोर का झटका दिया और अब यूपी में जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी जल्दी ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, डील लगभग फाइनल है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 19 जनवरी की यह तस्वीर है जिसमें जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक दूसरे के हाथ को कसकर थामे हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस तस्वीर के साथ लिखा था, राष्ट्रीय लोक दल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी एकजुट हो जाएं। और 19 दिन बाद यूपी में एक खबर का मचा हल्ला, टूटने वाला है आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं जयंत चौधरी। बीजेपी और आरएलडी के बीच डील हो चुकी है। जैसे ही ये खबर आई कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच लोकसभा में गठबंधन के लिए डील पक्की हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल मच जाती है। यकीनन ये खबर पश्चिमी यूपी में जोर का झटका देने वाली है, इसलिए अखिलेश और डिंपल यादव को तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या ये गठबंधन वाकई हो रहा है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। ये अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, जो खुद भी एक राज्यसभा मेंबर है। 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में और ये शायद अकाउंट फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने आरएलडी को उसके प्रदर्शन के हिसाब से सम्मानजनक सीट देने का वादा कर दिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 1 सीट पर सहमति बन सकती है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम जानते हैं जयंत जी को, वो सेकुलर लोग हैं, वो इंडिया गठबंधन से मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जयंत चौधरी ने अगर ये निर्णय लिया है तो मुझे लगता है ये उनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। बार बार इस प्रकार से पाला बदलने से ये नीतीश कुमार के बड़े पलटूराम हो गए, एक छोटे पलटूराम हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि जयंत जी ये नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की लाइन से अलग जाकर जयंत चौधरी को 7 सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया था, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हुआ था। और अभी तक अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं आया है, लेकिन जयंत चौधरी के गठबंधन से किनारा करने की खबर आ गई। भाजपा के साथ हर पार्टी, छोटी बड़ी पार्टी, जात समुदाय की पार्टी, सब लोग आना चाह रहे हैं और सब लोग बात भी करते हैं पार्लियामेंट में। कहा जा रहा है कि आरएलडी के साथ अखिलेश ने 7 सीटों का गठबंधन जरूर किया था, लेकिन कुछ सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर वो अपने उम्मीदवार उतार रहे थे, इससे जयंत चौधरी नाराज है। जयंत जी की जो सीट है उसको कांग्रेस जबरदस्ती लेना चाहती, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में होगी शायद, इसलिए मुझे लगता है ये कि खटास हुई है और ये चीज फिर आगे दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ बढ़ी है। बिहार के बाद यूपी में इंडिया गठबंधन के भीतर टूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा के यूपी में आते ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। यूपी में 14 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा चंदौली के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। उनको मालूम है कि उधर कुछ भी नहीं होगा, जनता मन बना चुकी है कि 80-80 सीटें इस बार एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। एक तरफ मोदी का ऐलान करना कि इस दफा एनडीए 400 के पास सीटें जीतेगा और उसके बाद यूपी में जयंत चौधरी के टूटने की खबर आना, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बीजेपी ने यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का सॉलिड प्लान बनाया है।
क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी पश्चिमी यूपी की 14 सीटों में से 7 ही जीत पाई थी। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ रखते हैं, तो क्या पश्चिमी यूपी की 14 की 14 सीटें जीतने के लिए बीजेपी जयंत चौधरी को अपने पाले में खींच रही है? बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन से एक दल और छिटकने को तैयार है और एनडीए का मिशन 400 भी तैयार है। आज नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आए। मीटिंग के बाद पलटी पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनिए जरा। हम इतना ही खाली बता देना चाहते हैं कि अब हम लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, अब बीच में दो बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का? इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था अब बिना मतलब का हमको ये करके? और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए था, फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करें? मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।